बैठ लें कुछ देर, तम गहन जीवन घेर, मौन मधु हो जाए, भाषा मूकता की आड़ में, मन सरलता की बाढ़ में, जल बिंदु सा बह जाए। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ये तीन शब्द हैं आधुनिक हिंदी कविता के आधार स्तंभ। निराला की छोटी छोटी रचनाओं ने हिंदी साहित्य में एक नए युग का निर्माण किया। निराला जी का जन्म सन 1896 में बंगाल के महिषादल गांव में हुआ था। धारा का निरंतर विरोध कर उन्होंने रचा हिंदी का मौलिक काव्य। उनके पिता महिषादल राज्य में नौकर थे। बचपन में उनका नाम रखा गया बंगाली लहजे वाला सूरज कुमार। सन 1908 में सूरज कुमार तिवारी का दाखिला स्कूल में करवाया गया। उम्र 12 साल की हो गई थी, इसलिए सीधे 8वीं कक्षा में ही भर्ती करवाया गया। सीधे कक्षा 8 में भर्ती किए जाने से पढ़ाई में लगाव कुछ कम ही रहा। मैं कवि हो चला था, फलतः पढ़ने की आवश्यकता न थी। प्रकृति की शोभा देखता था, कभी कभी लड़कों को समझाता भी था कि इतनी बड़ी किताब सामने पड़ी है। फलस्वरूप शिक्षा वैसी ही रही। सूरज कुमार तिवारी मैट्रिकुलेशन पास न कर पाए। परिणामतः महिषादल राज्य के इसी महल में मामूली सी नौकरी करनी पड़ी, मजबूरी थी। सूरज कुमार का विवाह तो बचपन में ही हो चुका था, पर जब गौना हुआ तो पत्नी मनोहरा देवी संग रहने आई। उस याद का ये जिक्र उन्हीं के शब्दों में। खैर, गौना हुआ। एक रात हम दोनों कैद किए गए। जो बातें नहीं सोची थीं, श्रीमती जी के स्पर्श मात्र से ही वे मस्तिष्क में आने लगी। श्रीमती जी मेरे अधिकार में पूरी तरह नहीं आ रही थीं, क्योंकि वो समझती थीं कि मैं और जो कुछ भी जानता हूं हिंदी का पूरा गंवार हूं। आखिर एक दिन बात लड़ गई। मैंने कहा, तुम हिंदी हिंदी करती हो, हिंदी में क्या है? उन्होंने कहा, जब तुम्हें आती ही नहीं तो कुछ नहीं है। मैंने कहा, हिंदी मुझे नहीं आती? उन्होंने कहा, यह तो तुम्हारी जबान बतलाती है, बैसवाड़ी बोल लेते हो, तुम खड़ी बोली का क्या जानते हो? तब मैंने खड़ी बोली का नाम भी नहीं सुना था। पत्नी की बात जैसे सूरज कुमार के दिल को चीर गई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को गुरु माना, लेकिन शिक्षा एक लव्य की तरह प्राप्त की। उनकी प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के एक एक हिंदी वाक्य को संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला व्याकरण के अनुसार सिद्ध करने में सूरज कुमार रात दिन जुटे रहे। पति पत्नी के बीच विचारों का तनाव बना रहा। वैसे साथ रहना भी बहुत कम हुआ, लेकिन फिर भी इन संबंधों के बीच कविता पनपती रही। रंग गई पग पग धन्य धरा, हुई जग जगमग मनोहरा, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। सन 1914 में रामकृष्ण और फिर 1916 में सरोज का जन्म हुआ। बच्चे पत्नी मनोहरा देवी के मायके डलमऊ में ही पले बढ़े। उसी समय इन्फ्लुएंजा का प्रकोप हुआ। पत्नी मनोहरा देवी ने विदेशी दवा पीने से इनकार कर दिया। मृत्युशैया पर वे बोली, 100 बार नहीं मरना हमें, कौन धर्म बिगाड़े। उस समय सूरज कुमार बंगाल में थे। पत्नी का प्यार उसी समय मालूम हुआ जब वो संसार छोड़ चुकी थीं। एक बार भी यदि अजान के अंतर से उठ आ जाती तुम, एक बार भी प्राणों की तम छाया में आ कह जाती तुम, सत्य हृदय का अपना हाल,
कैसा था अतीत वो अब ये बीत रहा है कैसा काल। मैं न कभी कुछ कहता बस तुम्हें देखता रहता। चकित थकी चितवन मेरी रह जाती, दग्ध हृदय के अगणित व्याकुल भाव मौन दृष्टि की ही भाषा कह जाती। पत्नी वियोग से उपजी ये पंक्तियां छायावादी कविता और उस समय के हिंदी साहित्य को एक उदात्त गरिमा प्रदान करती हैं, एक नई ऊंचाई तक ले जाती हैं। मौत का तांडव जारी रहा, पत्नी के बाद दादा, दादा के बाद भाभी और उनकी दूध पीती बच्ची और अंत में चाचा जी भी न रहे। अब पिताजी नहीं, माता जी नहीं, पत्नी नहीं, केवल मैं हूं, केवल मैं। अकेलापन, खालीपन, समक्ष लंबा जीवन, इसमें उन्हें साथ मिला कविता का। निराला जी कहते हैं, मैं कविता लिखने की कोशिश में ही बिगड़ा हूं। मैं शुरू से विरोध के सीधे रास्ते पर चलता रहा। निराला छपे रचनाओं की पहली पुस्तक आई, नई संवेदना, नई भाषा, नया शिल्प, सवाल उठा नाम का, समझ में कुछ नहीं आया, कह दिया अनामी का, बिना नाम की, और एक नए युग का सूत्रपात शिलान्यास हो गया। अनामिका, प्रथम कविता संग्रह प्रकाशित, प्रकाशक मुंशी नवजादिक लाल श्रीवास्तव, प्रकाशन स्थल कलकत्ता स्थित शंकर घोष लेन। इसी मकान में मुंशी जी के साथ महादेव प्रसाद सेठ, शिव पूजन सहाय और सूर्यकांत त्रिपाठी, ये चार हिंदी प्रेमी एकत्रित हुए। चारों ने मिलकर निकाला हास्य रस का पत्र मतवाला। मतवाला मंडली में निराला कुछ समय तक तो रमे रहे, लेकिन फिर मनमुटाव शुरू हो गया। प्रकाशक महादेव बाबू की नजर बदल सी गई। मतवाला का ये प्यारा कमरा अब निराला को डसने लगा। स्थिति यहां तक बिगड़ी कि निराला शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गए। कलकत्ता छोड़ना पड़ा, पुश्तैनी गांव गढ़ा कोला लौटना पड़ा। न जाने कितना समय बीता, निराला रोग से अकेले ही लड़ते रहे। अंततः रोग मुक्त होकर निराला ने खुली हवा में फिर सांस भरी। अकेलापन उनके जीवन में पहले भी था और बाद में भी रहा है। एक स्थिति ऐसी है जहां वो बिल्कुल अकेले हैं, जैसे वो कविता लिखते हैं तो कविता के बारे में सोचते रहते हैं, अपने अनुभव को परखते रहते हैं। लेकिन निराला जी से अधिक सामाजिक प्राणी दूसरा नहीं था। दूसरों के साथ के बिना वो रह ही नहीं सकते थे, चाहे परिवार के लोग हों चाहे मित्र लोग हों, दूसरों के साथ रहना उनको बहुत अच्छा लगता था। इसलिए अकेलापन उस तरह का नहीं है जिस तरह के हमारे बहुत से नई कविता वालों के अंदर दिखाई देते हैं। पुनः अन्न जल की तलाश। कलकत्ता में बंगला पुस्तकों के अनुवाद की भारी मांग। प्रकाशक ने कहा, अनुवाद कीजिए, 54 पेज देंगे, पर आपका नाम नहीं छपेगा। निराला ने कहा, मंजूर है। गहन है ये अंधकारा, स्वार्थ के अवगुंठनों से हुआ है लुंठन हमारा। ऐसे माहौल में भी निराला की साहित्य सेवा जारी रही। अचानक सरोज के निधन का समाचार। बेटी सरोज के निधन से निराला टूट गए। एक ही बात उनके दिलो दिमाग पर छा गई, धिक, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी न कर सका। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका। शुचिते पहना कर चीनाम सुख, रख सका न तुझे अतः दधिमुख। अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम, कर सका नहीं पोषण उत्तम। किस तीव्र क्षोभ ने जन्म दिया सरोज स्मृति को, हिंदी कविता का सबसे प्रसिद्ध शोक गीत। छायावाद की छाया से निकलकर निराला की लेखनी यथार्थवाद की तप्त रेखाओं पर भावांकन करती नजर आती है। देखा मैंने वो मूर्ति धीती,
मेरे वसंत की प्रथम गीत, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार, तू लता वहीं की जहां कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत में उसी गोद में क्षरण ली, मूंदे द्रगवर महामरण। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। बेटी की मृत्यु का उन्हें बहुत दुख था और ये दुख उनके भीतर बहुत दिनों तक रहा। इसके बाद भी वो अक्सर ये सोचते थे कि मैंने पूरी शक्ति से हिंदी की सेवा की, फिर भी मेरा इतना विरोध क्यों होता है, क्या मेरे सेवा करने में कोई दोष है। आर्थिक कठिनाइयां, लोगों का विरोध, इससे कभी कभी उनके अंदर ये अवसाद पैदा होता था कि इस जिंदगी से मौत अच्छी, लेकिन ये क्षणिक भाव थे। स्थाई भाव ये था, मेरा अंतर वज्र कठोर, देना जी भरसक जग जोर। निराला इस समय लखनऊ की नारियल वाली गली में रहते थे, यही उन्होंने लिखी राम की शक्ति पूजा। विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी ये शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। दुख की काली परछाइयों से बाहर निकलकर निराला ने शक्ति की पूजा आरंभ की। आत्म शक्ति का ये आवाहन निराला को इस गहरे दुख से उबार ले गया, साथ ही हिंदी कविता को दे गया राम की शक्ति पूजा, हिंदी की सबसे ओजस्वी प्रेरणादायी कविता। वो रहा एक मन और राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। राम की शक्ति पूजा सत्य के लिए है, सत्ता के लिए नहीं। देश में स्वराज का नारा लग रहा था, राजनैतिक चेतना की मानो लहर सी दौड़ गई थी, परंतु निराला की लेखनी गरीब सर्वहारा मानवता की अस्मिता की दस्तावेज तैयार करने में जुटी थी। देवी नामक कहानी में निराला वर्णन करते हैं एक गूंगी पगली भिखारिन का जो सर्वहारा है, फिर भी जीवन की लड़ाई अपने ढंग से लड़ रही है। सहते सहते अब दुख का अस्तित्व भी इसके पास न होगा। पेड़ की छां या किसी खाली बरामदे में दोपहर की लू में ऐसे ही एकटक कभी कभी आकाश को देख लेती होगी। मुमकिन है इसके बच्चे की हंसी उस समय उसे ठंडक पहुंचाती हो। आज तक कितने वर्षा ग्रीष्म इसने झेले हैं पता नहीं। लोग नेपोलियन की वीरता की प्रशंसा करते हैं, पर यह कितनी बड़ी शक्ति है कोई नहीं सोचता। निराला जी आम आदमी के दुख और मजबूरी के जितना नजदीक थे, उतना ही विशिष्ट व्यक्तियों से वे अलग थलग ढंग से पेश आते। माननीय संपूर्णानंद राजनीतिक आवेग में आ गए, बोले कवियों को राजनीतिज्ञों का साथ देना है। निराला से न रहा गया, उन्होंने कहा हिंदी के कवि राजनीतिज्ञों से बहुत आगे हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भाषण में टंडन जी पूर्ण रूप से राजनीति को प्राधान्य दे चले। निराला जी को लगा मानो सरस्वती राजनीति की दासी हुई। उन्होंने ललकारा, मैं दावे के साथ कहता हूं संयुक्त प्रांत में राजनीति ने जो काम किया है उससे कहीं अधिक काम साहित्य ने किया है। निराला की सबसे क्रांतिकारी कविताएं राजनीतिक कविताएं 45-46 में लिखी गई थी या उससे कुछ और पहले, दूसरे महायुद्ध के दौरान और स्वाधीनता प्राप्ति के पहले तक। बेला और नए पत्ते में इस तरह की कविताएं संग्रहित हैं। इसके बाद जब भारत स्वाधीन हुआ तो उन्होंने 2-3 साल तक कुछ नहीं लिखा। फिर आगे चलकर अर्चना की गीत लिखे जो 50 में प्रकाशित हुई। यदि बेला और नए पत्ते की रचनाओं से अर्चना की कविताओं की गीतों की आप तुलना करें तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा।
निराला स्वाधीन भारत से जो आशा करते थे वो आशा पूरी न हुई। माँ अपने आलोक निखारो, नरको नरक त्रास से वारो, ये उन्होंने समकालीन स्वाधीन भारत को देखकर लिखा था। रुद्र रूप से सब डरते हैं, देख देख भरते हैं आ मृत्यु रूपिणी मुक्त कुंतला, माँ की नहीं किसी को चाह। नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम संचित सब फल। जीवन की सांध्य वेला का अकेलापन उन्हें महसूस होने लगा था। मैं अकेला देखता हूं आ रही मेरे दिवस की सांध्य वेला, पके आधे बाल मेरे हुए निष्प्रभ गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती आ रही हट रहा मेला। जानता हूं नदी झरने जो मुझे थे पार करने, कर चुका हूं हंस रहा ये देख कोई नहीं भेला। निराला कविता लिखते ही नहीं रहे, कविता जीते रहे। वे एक बेहतर जिंदगी के जागरूक सिपाही थे। हिंदी की आधुनिक कविता में मेरा मौलिक अवदान है, इस बात का भी पूरा एहसास उन्हें था। निराला के जीवन में जो सबसे बड़ी बात मुझे दिखाई देती है वो ये है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में बराबर संघर्ष करके वो निरंतर आगे बढ़ते गए। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में मेरी जानकारी में किसी अन्य साहित्यकार ने साहित्य साधना नहीं की, ये बहुत बड़ी बात है। रामकृष्ण पूजा में जो कल्पना है वो निराला के अनुभवों को काव्य का रूप देती है, इसे हम यथार्थवादी कल्पना कह सकते हैं। निराला के अंदर जो ऊर्जा दिखाई देती है उसका संबंध इस यथार्थवाद से, वो संघर्ष करते थे और संघर्ष से शक्ति ग्रहण करते थे, मृत्यु से डरते नहीं थे, ये उनकी ऊर्जा का बहुत बड़ा कारण है। ऐसा ओजस्वी कवि हिंदी में दूसरा नहीं है। इलाहाबाद में फक्कड़ निराला के रहने का समुचित प्रबंध न था। महादेवी वर्मा के आग्रह पर वे साहित्यकार संसद में रहने लगे, पर संसद के अनुशासन में वे स्वयं को बंधा बंधा महसूस करते थे। एक दिन आजाद निराला संसद छोड़कर दारागंज की इस कोठरी में चले आए। अब तो बस साथ था एकांत का। निराला का मोहल्ला दारागंज भीड़ भाड़ से भरपूर था, पर वे तो जगत को तपोवन में कर चुके थे। फैजाबाद में लेक्चर्स में नहीं गया, कई जगह कवि सम्मेलन का सभापति तो था, लिखा, इलाज करा रहा हूं। कई जगह से वैवाहिक निमंत्रण आए, लिख दिया, अब विवाह में मैं नहीं जाता, मुझे भावावेश होता है। संपादकों ने रचनाएं मांगी, लिख दिया समझाकर, बिहारी का है किसका है वो टुकड़ा, जगत तपोवन मय कियो। जीवन का अंतिम दशक इलाहाबाद के दारागंज में गुजारने के बाद अक्टूबर 1961 में महाप्राण निराला ने अपनी यह लीला समाप्त की। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाट जीवन का वही जो ढह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है।